हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने फोर चैप्टर कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर फाइव को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फाइव जो है वो है थर्ड प्लेस वोवल्स। हमें आज करना है चैप्टर फाइव जो कि है थर्ड प्लेस वोवल। थर्ड प्लेस वोवल्स। अभी तक हम पिछली वीडियो में सेकंड प्लेस वोवल और फर्स्ट प्लेस वोवल कर चुके हैं। सेकंड प्लेस कर चुके हैं, फर्स्ट प्लेस कर चुके हैं। अब थर्ड प्लेस रह गया है। टोटल वोवल्स जो है 12 हैं। सेकंड प्लेस 4 है, फर्स्ट प्लेस 4 है और थर्ड प्लेस 4 है। ठीक है, टोटल 12 वोवल्स हैं और 12 वोवल्स में को डिवाइड किया गया फर्स्ट सेकंड थर्ड में। थर्ड प्लेस वोवल का, जैसे कि मैंने वोवल्स जो पहला वोवल आएगा किसी भी वर्ड में उसके अकॉर्डिंग ही आउटलाइन की प्लेसिंग होगी कि आउटलाइन कहाँ बनेगी। अबव द लाइन बनेगी अगर फर्स्ट प्लेस है तो, ऑन द लाइन बनेगी अगर सेकंड प्लेस है, और थर्ड प्लेस है तो थ्रू द लाइन बनेगी। अब हम थर्ड प्लेस सीख रहे हैं, आज थर्ड प्लेस वोवल सीखेंगे। तो थर्ड प्लेस वोवल में क्या है, द लास्ट फोर वोवल्स, जो लास्ट फोर वोवल्स हैं आर रिटन इन द थर्ड प्लेस। थर्ड प्लेस में लिखे जाएंगे। पहले हमने ये चार पढ़े सेकंड प्लेस, फिर ये चार पढ़े, अब लास्ट जो है वो थर्ड प्लेस में लिखे जाएंगे। और प्लेसिंग का कैसे होती है किसी आउटलाइन की, ये भी पता है कि एक स्ट्रोक में प्लेसिंग जो होती है वो फर्स्ट ये होती है, मिड में सेकंड होती है, लास्ट में थर्ड होती है। तो द लास्ट फोर बबल्स आर रिटन इन द थर्ड प्लेस व्हेन अ थर्ड प्लेस बबल कम्स बिटवीन टू स्ट्रोक्स। अगर दो स्ट्रोक्स के बीच में थर्ड प्लेस बबल आ रहा है, इट इज़ पुट इन थर्ड प्लेस बिफोर द सेकेंड स्ट्रोक। सेकेंड स्ट्रोक से पहले लिखा जाएगा और थर्ड प्लेस में ही लिखा जाएगा अगर दो स्ट्रोक्स में आ रहा है। वो आगे एग्जाम्पल में पता लग जाएगा, इतना इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं। वैन अ थर्ड प्लेस वोवल इज द फर्स्ट वोवल इन अ वर्ड, किसी वर्ड में फर्स्ट वोवल है, द आउटलाइन इज रिटन इन थर्ड पोजिशन। जैसा कि मैंने बता रखा है कि बताया था पहले, हर वीडियो में बताता हूँ मैं कि आउटलाइन हमेशा फर्स्ट वोवल के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होगी। तो फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस हम पढ़ चुके हैं, अब थर्ड प्लेस में क्या है उसको कैसे याद रखना है हमें। ई, लॉन्ग ई का साउंड आएगा। ये चार कौन से हैं हमें नोट वो करना है। लॉन्ग ई का साउंड, लॉन्ग ई, शॉर्ट आई और शॉर्ट आई का साउंड हो गया ई आई। ई आई हो गया ऊ, लॉन्ग ऊ और शॉर्ट ऊ। ये लॉन्ग हो गया ऊ और ये शॉर्ट हो गया। तो थर्ड प्लेस वोवल, वैसे थर्ड प्लेस वोवल बहुत सिंपल है। लॉन्ग ई का साउंड शॉर्ट आई का साउंड, लॉन्ग ई शॉर्ट आई, लॉन्ग ऊ शॉर्ट ऊ, और इनको रिप्रेजेंट वैसे ही करेंगे। लॉन्ग लॉन्ग वाले को हमेशा हैवी डॉट से करते हैं, मतलब हैवी से करते हैं, चाहे वो डॉट हो या डार्क हो, डैश हो। तो लॉन्ग ई के साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे हैवी डॉट से, और शॉर्ट आई के साउंड को लाइट डॉट से, लॉन्ग ऊ के साउंड को हैवी डैश से, और शॉर्ट ऊ के साउंड को लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे याद रखेंगे थर्ड प्लेस वोवल, ई आई ओ यू। लॉन्ग ई आई ओ यू जो है, ई आई ओ यू क्या है, थर्ड प्लेस चार वोवल है। तो लॉन्ग ई का साउंड, शॉर्ट आई का साउंड, लॉन्ग ऊ का साउंड और शॉर्ट ऊ का साउंड, और ये हमें एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग ऊ का साउंड, लॉन्ग ई का साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे, लॉन्ग ई के साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे हैवी डॉट से, और वोवल्स को जैसे कि मैंने बता रखा है डॉट और डैश से रिप्रेजेंट करते हैं जो भी वोवल्स होते हैं। तो लॉन्ग ई इज रिप्रेजेंटेड बाय हैवी डॉट। अगर ईट आएगा, ईट, ईट में क्या रहा है, लॉन्ग ई आ रहा है ना, ईट ईट, तो ईट में टी स्ट्रोक पड़ रखा है, थ्रू द लाइन इसलिए बनाएंगे क्योंकि थर्ड प्लेस वोवल का साउंड आ रहा है। लॉन्ग ई क्या है, थर्ड प्लेस वोवल है, तो ईट, इसलिए थ्रू द लाइन बनाएंगे, ईट हो गया। अब टी हो गया, टी, इसमें भी जो आ रहा है थर्ड प्लेस वोवल का साउंड आ रहा है, ये थर्ड प्लेस वोवल के साउंड है, इसके अकॉर्डिंग आउटलाइन बनाएंगे टी। अब ईच लिखना है, चे वाला वो बना दिया ईच। सी लिखना है, सी, एस डबल ई, ईज लिखना है, ज पढ़ रखा है हमने, उसके आगे ई लगा देंगे, ईज। फी लिखना है, एफ पढ़ रखा है स्ट्रोक, उसके पीछे लॉन्ग ई का साउंड लगा देंगे, फी, फीड। तो थर्ड प्लेस में जो थर्ड प्लेस बबल साउंड है और उसकी पोजीशन भी थर्ड प्लेस पे रहेगी, सबसे एंड में रहेगी। ऐसे ही सारे लिख लें हमें, फीड हो गया, डीप हो गया, कीप हो गया, सब में लॉन्ग ई का साउंड है, ली हो गया, एल और वी,
एल के बाद इसको पढ़ेंगे लॉन्ग ई का साउंड, फिर वी लीव, सही है, ऐसे ही टीम। तो ये हो गया लॉन्ग ई का साउंड। अब आएगा शॉर्ट आई का साउंड, शॉर्ट आई का साउंड चार है इसमें, सेकंड नंबर है शॉर्ट आई। शॉर्ट आई मतलब जैसे इफ, इफ में लॉन्ग ई, लॉन्ग ई का साउंड तो है नहीं, इफ इफ शॉर्ट आई का शॉर्ट साउंड आ रहा है ना, आई का शॉर्ट आई के साउंड को लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि ये है। अब ये पढ़ना है, ये पढ़ चुके हैं शॉर्ट आई। इफ हो गया, जैसे इफ हो गया, बिट हो गया, लॉ बी पढ़ रखा है, टी पढ़ रखा है, बिट हो गया, बिग हो गया, बिग बी जी बिग, बिग हो गया, लिव हो गया, इंच हो गया, किड हो गया, के पढ़ रखा है, स्ट्रोक डी हो गया। इसकी आउटलाइन थ्रू द लाइन इसलिए बन रही है, वो इसलिए बन रही है थ्रू द लाइन क्योंकि थर्ड प्लेस वोवल साउंड है ये, शॉर्ट आई का साउंड जो है थर्ड प्लेस वोवल साउंड हो गया, ठीक है। अब आएगा लॉन्ग ऊ, लॉन्ग ऊ जो है, अब शॉर्ट इसके बाद आएगा लॉन्ग ऊ। अब लॉन्ग ऊ का साउंड जो कि हमने ये पढ़ रखा है उसको हैवी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, तो लॉन्ग ऊ का साउंड जो है जैसे इसमें आएगा च्यू, च्यू हो गया, चे बनाया स्ट्रोक च्यू, च्यू आ रहा है तो हम सीधा पता है कि ये थर्ड प्लेस वोवल का साउंड है च्यू, तो आउटलाइन खुद ही हम थ्रू द लाइन बनाएंगे, च्यू हो गया। च्यू के बाद आ गया लॉन्ग ऊ में फूड, ऊ लॉन्ग ऊ है वो ऊ का साउंड है ना, फूड एफ, पहले स्ट्रोक को पढ़ेंगे फिर वोवल, फिर नेक्स्ट कौन स्ट्रोक को पढ़ेंगे, फर्स्ट स्ट्रोक को पढ़ेंगे पहले, मूव, तो सही है, लॉन्ग ऊ का साउंड आ रहा है सब में, टूल हो गया, कूल हो गया, कूल के एल, लॉन्ग ऊ का साउंड, पहले स्ट्रोक फिर वोवल फिर स्ट्रोक, कूल, जैसा कि स्पेलिंग में भी दिख रहा है। अब आएगा शॉर्ट ऊ का साउंड, तो शॉर्ट ऊ का, शॉर्ट ऊ के साउंड को लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और लॉन्ग ऊ को हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट ऊ का साउंड। अब शॉर्ट ऊ का साउंड जैसे आ रहा है बुक, अब इसमें लॉन्ग ऊ तो है नहीं, बुक, बुक थोड़ी बोलते बुक, शॉर्ट ऊ आ रहा है ना, शूट बुक, टुक लुक, सही है, लुक एल और के स्ट्रोक है, W और D स्ट्रोक है, वुड हो गया, ऐसे ही पुश करना है, P और E स्ट्रोक है, पुश, तो ये हो गया। द साउंड ऑफ Y एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द, रिप्रेजेंटेड बाय द लाइट डॉट, अगर I का साउंड एंड में आ रहा है उसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ये लाइट डॉट इन वोवल्स जो हमने पढ़े हैं इन सबसे अलग है, बस Y के साउंड को रिप्रेजेंट करेगा किसी वर्ड के एंड में। जैसे हम लिखते हैं द साउंड ऑफ वाई एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइट डॉट, बेबी लिखना है हमें, बेबी, बेबी में आउटलाइन कैसे बनेगी, बे, शॉर्ट शॉर्ट ए का साउंड है, शॉर्ट ए का सॉरी लॉन्ग ए का साउंड है, लॉन्ग ए का साउंड सेकंड प्लेस वॉवल है, तो ऑन द लाइन बे बी, बी और बी दो बार हो जाएगा, लॉन्ग ए का साउंड बे बी, तो लास्ट में जो वाई का साउंड आ रहा है ना बेबी में, बी ए बी वाई, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वाई के साउंड को जो रिप्रेजेंट करेंगे इस डॉट से। द साउंड ऑफ अ वाई एट द एंड ऑफ अ वर्ड, जो भी एंड में, मगर ये ध्यान रखना है कि वर्ड के एंड में जो वाई का साउंड आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करेंगे लाइट डॉट से, बेबी, लकी, जैसे एल के लकी, लकी हो गया, कॉपी हो गया, कॉपी सी स्ट्रोक पी ही हो गया, तो कॉ शॉर्ट ओ का साउंड और ये फर्स्ट प्लेस वॉवल है इसलिए लाइन अबव द लाइन बनेगा। ऐसे एपोलॉजी, एपोलॉजी पी अ, शॉर्ट ए का साउंड आ गया अ, तो अबव द लाइन बनेगा अपोलॉजी, फिर एपोलॉजी तो क्या आएगा अ पो लो जी, एंड में वाई का साउंड आ रहा है उसको स्मॉल टिक से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो गया। वेयर एन आउटलाइन कंसिस्ट ऑफ, चलो ये यहाँ तक का कर लो, यहाँ पे वोवल्स खत्म हो गए और एक ये आ गया, द साउंड ऑफ वाई एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइट डॉट, जो वाई का साउंड आ रहा है एंड में उसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये चार वोवल हो गए। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है पूरा अच्छी तरीके से, जितने भी वर्ड हैं उनकी हमें सिक्स सिक्स टाइम्स एक लाइन में जितने आ रहे हैं उतने करेंगे, उसको सिक्स टाइम्स रिपीटिशन करना है, बोल बोल के रिपीटिशन करना है, और वोवल को मुँह जुबानी याद रखने की। थर्ड प्लेस वोवल में लॉन्ग ई का साउंड, शॉर्ट आई का साउंड, लॉन्ग ऊ का साउंड और शॉर्ट ऊ का साउंड, लॉन्ग ई का हैवी डॉट से और शॉर्ट आई का लाइट डॉट से, हैवी डैश से और लाइट डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, बस ये याद रखना है। लॉन्ग ई है पहला, दूसरा शॉर्ट आई है, फिर लॉन्ग ऊ है, फिर शॉर्ट ऊ है, ये हो गए हमारे थर्ड प्लेस वोवल, तो थर्ड प्लेस में ये होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।